और थोड़ा आगे आ जाओ, पीछे वाले बोर्ड ना साथ आ जाए ना, नहीं बोर्ड आ जाएगा, दूर से बनाओगे आ जाओ भैया, आप इधर आइए, आओ इधर, दौड़ के आ, दौड़ दौड़ के आ, दौड़ के आ, दौड़ के आ भैया, आ जा आ जा, 20 मिनट 25 मिनट ये ठीक है, हां ठीक अच्छा हो गया, मत ही आप आगे आ जाओ, हम लोग सुनील हाईटेक कंपनी जो शताब्दी नगर में है उसका काम कर रहे थे, समाजवादी योजना प्रधानमंत्री योजना का। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे सुनील हाईटेक कंपनी ने हम लोगों को पैसा पूरा रोक दिया। उसका काम किया कि जैसे मेरा 1 करोड़ रुपया बाकी हो गया तो मेरा पैसा रोके फिर दूसरे से काम कराना। जैसे ये लेबर खड़ी है यहाँ पीछे आपके सामने देख रहे हैं, इनका 3 लाख रुपये बाकी है, पैसा मांगने गए तो वहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर नागवार साहब हैं वो कहते हैं यहाँ से भाग जाओ, नहीं बहुत बड़ा बुरा हो जाएगा। स्थितियाँ सर क्या हो गई कि सबके यहाँ खाने डाले पड़ गए हैं, लेबर मजदूर जो भी लोग हैं अपना पेमेंट मांगे घर घेरे पड़े हैं। लेकिन इस बारे में जब भी बात करते हैं SHO पनकी साहब वो ये कह रहे हैं इस बात के लिए कि पेमेंट नहीं मिलेगा, जो करना कर लो। अभी तक हिंदुस्तान के अंदर जिसका पेमेंट बाकी होता है पुलिस उसकी मदद करती है उसका पेमेंट मिले, लेकिन SHO पनकी साहब ये कह रहे हैं कि पेमेंट उसकी मदद करें जो पेमेंट नहीं दे रहा है। पता नहीं क्या SHO साहब को उनको उनसे लाभ है मुझे नहीं मालूम। अभी परसों हम लोग जो है अपने पेमेंट मांग लिए कहाँ वहाँ पे गए साइड में, तो वहाँ की अपने स्टाफ द्वारा ही झगड़ा करा दिया और ये कह दिया कि ये झगड़ा रतन गुप्ता करने आए, जब जिसको हमें पेमेंट लेना होगा जो जो भी आपके सामने सब खड़े हैं वो झगड़ा क्यों करेगा हम लोग। लेकिन इनका कहना ये है कि पेमेंट नहीं मिले और झूठ ज़्यादा बहस करोगे तो आपराधिक मामलों में आपको सबको फंसा देंगे। कब से काम कर रहे थे सर? 2017 से हम काम कर रहे थे। कंपनी से तय हुआ था कि जो भी काम आप 1 महीने में करेंगे उसका पेमेंट आपको 10 दिन बाद मिल जाएगा। KDA से जो पेमेंट हमारे बिहार पे लोग उठा चुके हैं वो पेमेंट भी हमको नहीं दे रहे हैं। SHO महोदय उनका केवल पूरा साथ रहे हैं। हमको तो यही समझ गए SHO महोदय सुनील हाईटेक के वो डायरेक्टर हैं या वो SHO हैं, हम तो यही समझ पा रहे हैं। कितने लोग जुड़े हुए हैं जिनको पेमेंट आप नहीं दे पा रहे हैं? करीब 200 लोग हैं, 200 लोग हम लोग साथ हैं जिनको पेमेंट नहीं है। वो लोग हमारा रोज़ घर आते हैं, रोज़ खोदते हैं, कहते हैं पैसा तो नहीं तो वही कर देंगे। हम जब पैसा बना साइड में जाते हैं तो हमें परेशान किया जा रहा है। कितना पैसा फंसा होगा आपको? 1 करोड़ रुपया करीब मेरा बाकी है, 84 लाख 80 लाख जी इनका बाकी है, ये लेबर 3 लाख रुपया इनका बाकी है, ये करीब 7 लाख कटिहार साहब खड़े इनका बाकी, मतलब ऐसे ही करीब 1 करोड़ रुपया बाकी है। अभी मैं विकास पार्षद के पास BC मिलने गया था लेकिन चूंकि वो नहीं मिली तो जो सचिव उनके हैं KP सिंह साहब उनसे वार्ता भाई, उन्होंने कहा आज तक मुझे मालूम पहली बार मेरी संज्ञान में बात आई है। SSP साहब से मिले अभी आप? उन्होंने क्या सोचा? SSP साहब नहीं मिले, ग्रामीण SP साहब मिले हैं, बोले 3-4 दिन आप रुक जाइए, राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं उससे हम लोग भेजेंगे फिर आपकी समस्या देखते हैं, उन्होंने ये बोला है। हमारा एक निवेदन है कि अभी तक ये चीज़ हम बार बार कहना चाहते हैं कि जितनी भी पुलिस है अगर कोई पीड़ित जाता है उसके बाद उसकी मदद की जाती है, लेकिन वो मदद उसकी करे जिसको पेमेंट देना है। हम तो समझ ही नहीं पा रहे SHO महोदय सुनील हाईटेक के डायरेक्टर हैं या पनकी के SHO हैं।